हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिली 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झटपट ज्ञान चैनल से दुख दर्द पीड़ा #06 फनी वीडियो झटपट ज्ञान। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या हाल है भाई लोगो? आओ कभी हवेली पे। तो भाई लोगों, एक टाइम था जब जनगणना करते वक्त एक अधिकारी आता था, गिनता था और चला जाता था। 2010 की जनगणना में जो लड़की पिट्ठू खेला करती थी, अब वो टूटा दिल और गहरी बिल लेके हम सिंगल लोंडो को पेला करती है। क्या चल क्या रहा है? पेंटिंग चल रही है इधर। हे भगवान, हे भगवान। और भाई, ये अकेली एक लौती लड़की नहीं है जो हम सिंगल लोंडो को जला रही है। मोहब्बत हुई कैसे? दुपट्टे रंगते थे, कलर करते थे दुपट्टों को, तो मुझे दुपट्टों का बहुत शौक था। दुपट्टे कलर करवाने के लिए जाती थी मैं इनके शॉप पे, तो मुझे इनसे प्यार हो गया। वाह वाह वाह, कलम वाली भाई वाह। साला, जहाँ एक तरफ हम सिंगल लोंडे अपने बाबू का पैर पकड़ के भी नहीं मना पा रहे हैं। बेवकूफ है क्या भाई? है ऐसा क्या मतलब ऑब्सेशन है, क्यों पैर पकड़? वहीं ये चाचा दुपट्टा रंग के रंग रलिया मना रहे हैं, जहां बाकी लोंडे अपनी बंदी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। नाइस कपल, ब्यूटीफुल कपल। वहीं हम सिंगल लोंडे, दिस इज आल्सो क्यूट। सही में भाई, कोई इज्जत नहीं हम सिंगल लोंडो की। अरे क्यों रे, इज्जत है यार, इनकी इज्जत जिसे मिल जाती है ना, उनको किसी की इज्जत जरूरत नहीं होती। हाँ, काले चश्मे पे हर कोई अपना गुल्ला खिला रहा है भाई, फिर चाहे वो सलवार वाली हो या तलवार धारी, हर कोई बस यही कर रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने कुत्ते को भी इस पे नचाया जाए। अब ये मत बोलना ये वीडियो तो कबू चीट कबू पट वाला डांस है। तो फ्रेंडा, एक और बात बता रहे हैं, तुम मुझे फॉलो कर लियो, हमें कछु ना पता, तुम हमें फॉलो कर लियो बस। तो आओ यार, दुख दर्द पीड़ा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब यार देखो, दुख दर्द पीड़ा तो सभी को पता है, पर क्या आपको पता है सुकून किसे कहते हैं? नहीं ना, तो इसे देखो। भाई पहले तो मुझे ध्यान से देखना पड़ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। बताओ, देख रहे हो इस लाली को कैसे लगी पड़ी है? आज सारा पेपर छाप देगी, छाप और आगे वाली लाली इसके सारे पेपर छाप देगी। और इतना ही नहीं भाई, जब इनके सारे सब्जेक्ट में 100 नंबर आ जाते हैं तो इन्हें यकीन ही नहीं होता। सब सब्जेक्ट्स में 100 आए, मुझे अभी भी वो चीज बात पच नहीं रही है कि मेरे सब सब्जेक्ट्स में 100 आ गए। नहीं, सही है लाली, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, तो कैसे यकीन होगा कैसे? और भाई, आजकल स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। हाँ बिल्कुल सही बात, आप खुद ही देख लो। बहुत अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। बताओ साला, जब हम इनके उम्र के थे ना, तब साला दूध में पेंसिल का छिलका डाल के रबड़ बनाया करते थे, तब हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास भी एक पेंसिल है। और आज के बच्चों को देखो, अपना पेंसिल कहाँ फिट करने में लगा है। नहीं मतलब सही में भाई, आजकल स्कूल में यही सब होता है, और ये तो फिर भी प्रपोज कर रहा है। कुछ तो क्लास में ही कबू चीट कबू पट करने में लगे होते हैं। Oh
भाई साहब, वैसे मैं खुश हूँ कि मेरा स्कूल या कॉलेज लाइफ ऐसा नहीं रहा। नहीं मतलब सही में कौन सा स्कूल है ये? साला हमारे टाइम में न ऐसा स्कूल था न ऐसी लड़की थी। साला लड़की तो बहुत दूर की बात है, हमारी क्लास में तो गोरे चिट्टे चिकने लौंडे भी नहीं थे। साला ये भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दुख है। और भाई यही वजह है कि हम सिंगल लौंडे खाली टाइम में ट्यूशन से आती लड़की को पटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। पर भाई हम सिंगल लौंडे कितना ही गुल्ला उछाल के धरती पे मार ले, हमसे लड़की पटने वाली नहीं है। और वैसे भी हम सिंगल लौंडे सिर्फ जनगणना बढ़ाने के लिए तो पैदा हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसने कहा? और भाई लोगों यही वजह है कि जहाँ बाकी लौंडों को लड़कियाँ प्रपोज करती है, वहीं हम सिंगल लौंडे रात को 1 बजे देखो कैसे स्त्री वशीकरण का टोटका करते हैं। वशीकरण बताओ साला, फिर भी अपना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम सिंगल थे और सिंगल है और सिंगल ही मरेंगे। तो कभी कुछ तो भाई नहीं होगा। इससे पहले कि मैं भी नींबू मिर्च लेके किसी निब्बी के नाम का टोटका करने लगूं, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, जितने भी लोग हैं मुझे झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल पे फॉलो करना ना भूलें। और साथ यार लेजी गेमर को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। ओके यार, ये लास्ट में जो क्लिप थी काफी अच्छी थी। सब अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के मतलब टॉप नीचे कर रहे हैं ना कि कोई दूसरा लड़का उन्हें देखे ना। और वही सिंगल भाई साहब मेज का कपड़ा से यार देखो मुझे इतना पता है कि भाई देखो किसी को पैरों में गिरने से तुम्हें कभी प्यार नहीं मिल सकता। ठीक है कि हाँ तुम पैरों में पकड़ के लूटते हुए जा रहे हो, बाबू प्लीज प्यार कर लो हमसे, प्लीज हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें प्यार इस टाइप से। ठीक है, जब तक आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगे। अबे यार जो जिसके लिए बना होता है ना, देर सवेर उसको वो मिल ही जाता है। ठीक है, तब तक एंजॉय करो सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। सिंगल लाइफ एंजॉय करने का एक अपना अलग ही मज़ा है ना, सबको इधर उधर देखना, जहाँ मर्जी आए जाना, घूमना फिरना, और मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, कोई चिक चिक नहीं, पिट पिट नहीं, इधर से फ़ोन आ रहा उधर से फ़ोन आ रहा, हर समय फ़ोन में लगे। मतलब कोई चिंता नहीं है ना। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सिंगल लाइफ। और अगर पार्टनर भी इसी टाइप का मिल जाए ना तो मज़े आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसे हो जाते हैं भेंडे से बिल्कुल। क्या मुँह यहाँ लटका पड़ा है, जब देखो बस जो लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड्स के शॉपिंग बैग उठाए फिरते हैं, है ना। लड़कियाँ होती हैं वो दिन भर बस ये खाना बना रही हैं तब भी फ़ोन में लगेंगी, मतलब सोते जागते हंगते मूंदते हर जगह उन्हें वही फ़ोन 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 फ़ोन। बाबू तुम्हारा रिप्लाई ना 3 सेकंड लेट आया, क्यों आया? अरे यार मतलब अपनी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती है। सो जस्ट एन्जॉय एंड चिल योर सिंगल लाइफ, ओके। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।